नमस्कार। बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जैसे 2005 के विधानसभा चुनाव में यूपीए में घमासान मचा था। आपको याद होगा कि 2005 में यूपीए की सरकार में आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों शामिल थी। दोनों के नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के रूप में थे और रामविलास पासवान भी यूपीए सरकार यानी कि मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन एक ही गठबंधन में रहने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और ठीक वही चीज एलजेपी 2020 में दोहराना चाहती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो 2005 था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय यूपीए में दर्जनों पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन बना था और ये 2020 है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसमें बीजेपी को अपने आप बहुमत मिला हुआ है, वो किसी के भरोसे पे सरकार नहीं चला रही है। अंतर सिर्फ इतना है, लेकिन एलजेपी को आज भी 2005 का वो दौर नज़र आ रहा है कि वो एनडीए में रह के और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। जैसा कि संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई एलजेपी की, उसमें नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी को जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। हालांकि एलजेपी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। संसदीय बोर्ड ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को इसके लिए अधिकृत किया है कि वो क्या फैसला लेते हैं, एनडीए के गठबंधन में रहने का या फिर टिकट के बंटवारे को लेकर, वो फैसला चिराग पासवान को करना है। लेकिन जो मनसा दिख रही है एलजेपी की, कुछ इस तरह से हो जाए कि वो केंद्र में एनडीए में रहें और बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ें, तो खास तौर पर देखा जाए तो ये जेडीयू को कतई मंजूर नहीं होगा और अगर बीजेपी इसमें बीच बचाव नहीं करती तो एनडीए का वर्तमान स्वरूप भी बदल सकता है, जैसा कि जेडीयू के नेताओं का कहना है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लिए कौन फायदेमंद है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सरकार में भी है और वो उसको किसका साथ भाता है। हालांकि ये एलजेपी और जेडीयू के बीच में जो तनातनी चल रही है उस पर बीजेपी बिल्कुल मौन है। 12 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आने वाले हैं, उस समय शायद ये बात सामने आए कि आखिर एनडीए का क्या होगा। लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और सीटों का बंटवारे का जो फार्मूला है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सरल है। जीतन राम मांझी को जेडीयू के साथ एनडीए में शामिल कराया गया तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई मंशा रही होगी, अब मंशा है भी। जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबर बराबर सीटों पर का बंटवारा होगा, दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को एलजेपी को कितना सीट देती है ये बीजेपी को तय करना है और जीतन राम मांझी के हम पार्टी को कितना सीट मिलेगा ये जेडीयू को तय करना है। तो बिल्कुल साफ है दोनों पक्ष बढ़ चुके हैं। अब इस पर भी अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2005 में जिस तरह से यूपीए की स्थिति हुई थी वो स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एलजेपी आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 24 सीटें जीती थी और यूपीए की सरकार बनाने में दिल्ली में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव आते आते ये कुनबा बिखर गया और आपस में ही लड़ बैठे, तो वो स्थिति शायद बीजेपी नहीं चाहेगी और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी है
कि चिराग पासवान को एक बिहार के में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने की भी तैयारी पार्टी की है, और इसलिए वो लगातार इस तरह के अभियान भी चला रही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबा चौड़ा विज्ञापन भी दिया था LJP ने, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में विधानसभा का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि नीतीश कुमार के शासन के जरूर 15 साल पूरे हो चुके हैं, और आगे के लिए अगर 15-15 की बात करें तो लालू राबड़ी और नीतीश मिलके 30 वर्षों का ये बिहार का जो शासन है उसको भी लोग, उसका भी आकलन लोग कर रहे हैं, और एक नए नेतृत्व की भी बात हो रही है। हालांकि इस चुनाव में तो इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में ये गुंजाइश है, और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद चिराग पासवान एक तरीके से JDU को टारगेट बना रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा NDA में थे चुनाव से पहले, और सीटों के तालमेल और ये आपस में JDU के साथ टकरार के बाद वो NDA से बाहर हो गए और महागठबंधन में चले गए, और उस समय जो बातचीत होती थी दोनों के बीच में उसमें बीच बचाव करने में LJP काफ़ी सक्रिय थी, रामविलास पासवान उसमें काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते अब LJP को समझाने की कोशिश शायद BJP करे। तो राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं, और अपने 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 व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए, अपने आधार को बढ़ाने के लिए, अपने लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए पार्टियां इस तरह के स्टैंड लेती हैं, ताकि भविष्य में उनके पार्टी का जनाधार भी बढ़ता रहे। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्थिति अभी की है कि अगर LJP JDU के खिलाफ उम्मीदवार देगी तो निश्चित तौर पर JDU इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं होगी, और ये उसके बाद ये BJP को तय करना पड़ेगा कि उसे LJP के साथ जाना फायदेमंद है या फिर JDU के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।